हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्स स्मार्ट क्रिएटर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफी अच्छे होंगे और आप सबकी सेमेस्टर की तैयारी भी काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसवीटी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि डेट आप यहां पे देख सकते हैं 6/11/2023, जो कि आज की डेट है। लेटर संख्या देख सकते हैं 4450। तो क्या है पूरे लेटर में जानने के लिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहे। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। यहाँ पे आपको एसवीटी बिहार की रिगार्डिंग हर एक छोटी बड़ी और स्टैटिक जानकारी मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने लेटर संख्या और डेट देख लिया, तो चलिए देख लेते हैं क्या इस पूरे लेटर में। सेवा में सभी प्राचार्य, सभी राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक एवं निजी पॉलिटेक्निक संस्थान, यानी ये जो लेटर है बिहार के सभी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज के प्रिंसिपल को लिखी गई है। विषय आप यहाँ पे देख सकते हैं परिनिरीक्षण यानी रिवोल्यूशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में। अब आप कहोगे रिवोल्यूशन का डेट तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो फिर से ये नोटिस क्यों? तो जैसा कि आप आगे देख सकते हैं, माह से उपयुक्त विषय के संबंध में निर्देशानुसार सूचित करना है कि माह सितंबर 2023, यहाँ पे सितंबर मंथ में जो एग्जाम हुई थी उसी के बारे में बताया जा रहा है, में आयोजित परीक्षाओं से संबंधित उत्तर पुस्तिकाओं के परिनिरीक्षण हेतु कतिपय छात्र छात्राओं द्वारा रिवोल्यूशन पोर्टल पुनः खोलने का अनुरोध प्राप्त हुआ है। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा फिर से रिवोल्यूशन पोर्टल ओपन करने का रिक्वेस्ट गया है बोर्ड में, जिसके लिए आपका जो सितंबर माह में एग्जाम हुआ था, जिसका कि रिजल्ट कुछ दिनों पहले ही जारी किया गया है, उसी रिजल्ट के रिगार्डिंग अगर कोई स्टूडेंट रिवोल्यूशन करना चाहते हैं जो पहले नहीं किए थे, तो उनके लिए फिर से पोर्टल ओपन किया जाएगा। कब से कब तक? छात्र हित में दिनांक 7/11/2023 से 8/11/2023, यानी कि 2 दिनों के लिए रिवोल्यूशन पोर्टल खोला जाएगा। यानी कि अगर कोई इच्छुक छात्र है जो किसी भी सब्जेक्ट का रिवोल्यूशन करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए पोर्टल फिर से ओपन किया जा रहा है 2 दिनों के लिए, यानी कि 7 नवंबर से 8 नवंबर तक। अतः अनुरोध है कि संबंधित छात्रों को अपने स्तर से अवगत कराने की कृपा करेंगे, छात्र हित में इसे अति आवश्यक समझा जाए। यानी कॉलेजों को बोला जा रहा है आप इसे अपने स्टूडेंट को बता दीजिए। बाकी रिवोल्यूशन के बारे में आपको सारी बातें अच्छे से पता ही होगी, तो इस पे हम लोग ज्यादा बातें नहीं करेंगे। इस नोटिस में बस इतनी सी जानकारी थी। काफी दिनों बाद हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड हुई है। आई होप आप पहले जैसा ही सपोर्ट करोगे और आगे से आपको सारे अपडेट टाइम पे अपडेट किया जाएगा। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कॉमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।